बड़ा वैकेंसी है सशस्त्र सीमा बल से SSB रिक्वायरमेंट 2023 से। उसमें 1656 पोस्ट आए, जिसमें असिस्टेंट कमांडर, सब इंस्पेक्टर फार्मेसी या फिर नर्सिंग असिस्टेंट, मेडिकल ट्रेड में आया है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल ट्रेड्समैन। तो ये सारे पोस्ट में आपकी वैकेंसी होने वाला है। किस पोस्ट में कितना वैकेंसी है, क्या सैलरी है, तो आगे वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिए। और ये कोई अग्निवीर स्कीम नहीं है, पहले बता देता हूँ आपको, बहुत सारे डाउट रहता है कि यह अग्निवीर स्कीम है या अग्निवीर स्कीम नहीं है, ठीक है। और इसका जो लास्ट डेट रहेगा आपका June 18 रहेगा, और जो स्टार्टिंग डेट रहेगा वो 20 मई है, जो कि शुरू हो चुका है आपका एप्लीकेशन। और आप जो ऑफिशियल वेबसाइट के इसमें अप्लाई करना चाहते हो तो जाके कर सकते हो, SSBRecruitment.gov.in के साथ आप जाके कर सकते हो। इंपॉर्टेंट डेट्स आपको बता देता हूँ, मई 20 से ये एप्लीकेशन डेट शुरू हो चुका है, उसके बाद लास्ट डेट आपका रहेगा June 18। एग्जाम डेट हम आपको नोटिफाई लेटर मतलब कर देंगे, आपको पता जब भी पता चलेगा कि कब होगा एग्जाम डेट, तो उसके लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल आर्मीसेल ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और कहीं भी ढूंढोगे तब भी मिल जाएगा। अगर आप चैनल में नया है, लगता है ये चैनल आपके लिए यूज़फुल है, तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अभी आपको बताते हैं कि पोस्ट डिटेल, एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन क्या क्या है। पहले जो असिस्टेंट कमांडेंट है वेटरनरी डिपार्टमेंट के, अगर आपको एक वेटरनरी हस्बेंड्री एनिमल हस्बेंड्री ग्रेजुएट किया हुआ है तो 18 वैकेंसी रहेगा मेल एंड फीमेल के लिए। तो यहाँ पर देखिए क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएट इन वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। उसके बाद सब इंस्पेक्टर SI टेक्निकल, यहाँ पर आपकी 111 पोस्ट रहेगा। 111 पोस्ट में आपका चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो दोनों अप्लाई कर सकते हैं। डिग्री चाहिए, डिप्लोमा चाहिए या फिर ITI रिलेटेड कोई भी फील्ड आपका होना चाहिए। तीसरे में बात करेंगे ASI पैरामेडिकल स्टाफ 30 है आपका। यहाँ पर डिप्लोमा इन रिलेटेड फील्ड्स लाइक कि अगर आप सिपाही फार्मा में जाना चाहते हैं तो फार्मासिस्ट होना चाहिए, अगर आप एक्सरे किया उसकी आपने डिप्लोमा किया होना चाहिए, डेंटल किया तो उसके आप कोर्स किया हुआ होना चाहिए और पास होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ASI स्टेनो में 12th पास प्लस स्टेनो होना चाहिए, जिसमें 40 पोस्ट आपका है। हेड कांस्टेबल टेक्निकल में 914 पोस्ट है वो मेल और फीमेल के लिए। यहाँ पर आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट या फिर रिलेटेड फील्ड में जो सर्टिफिकेट है वो चाहिए। आगे उसकी PDF मैं आपको शेयर कर दूंगा, कहाँ पर, टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, पूरे का पूरा PDF शेयर कर दूंगा। लास्ट में चलते हैं कांस्टेबल ट्रेड्समैन के बारे में। तो यहाँ पर आपकी जो पोस्ट है वो 543 है, वहाँ पर 543। यहाँ पर आपको सिंपली 10th पास चाहिए, कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर जो आपकी सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, पहले आपकी रिटन टेस्ट रहेगा, फिर आपकी स्किल टेस्ट रहेगा, जिस फील्ड में आप अप्लाई करो उसमें आपको बारे में कितना पता है। फिर उसके बाद दोनों टेस्ट क्लियर होने के बाद आपको फिजिकल में बुलाया जाएगा। देन आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो आपने प्रोवाइड किया था एंट्री के टाइम, रिक्रूटमेंट के टाइम किया वो सही है। उसके बाद आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाएगा। हाइट का कोई क्राइटेरिया अभी नहीं रखा गया, आपकी जो भी हाइट है आप अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और ये कैसे आपने अप्लाई करना है कि आपकी एलिजिबिलिटी पहले चेक करना है, उसके बाद SSB रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो बोलते हैं ऑफिशियल साइट, मैंने ऊपर भी बताया था, दोबारा बता देता हूँ, SSBRecruitment.gov.in में जाके आप इसको अप्लाई कर देंगे आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से। ये है इंपॉर्टेंट लिंक सारे, ये जो इसका PDF है बिल्कुल SSB, आप सोच रहे होंगे ये गलत है, मतलब ये झूठा है, तो मैं क्या आपको खोल के दिखा देता हूँ नोटिफिकेशन ऑफिशियल। सॉरी मेरा नेट ऑफ है, मैं इसको ऑन कर लेता हूँ, अभी आपको दिखाता हूँ, आपके सामने दिखाता हूँ जो नोटिफिकेशन आपको दिखा देता हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे ही भरोसा करना है। तो जैसे ये सारे ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, यहाँ पर नोटिफिकेशन को क्लिक करिए, करने के बाद आपके सारे नोटिफिकेशन खुल जाएंगे जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं। ये देखिए खुल गया एडवर्टाइजमेंट, ये देख ले, कांस्टेबल में कारपेंटर, ब्लैक में ड्राइवर, ट्रेलर, गार्डनर, ये है ट्रेड्समैन की वैकेंसी, ठीक है। ऐसे सारे का ये PDF ना मैं डाल दूंगा, कहाँ पर डाल दूंगा, टेलीग्राम पे डाल दूंगा। वहाँ का पे लेवल बात करें तो आपका पे लेवल 21,000 से लेकर 1,00,000 तक होने वाला है, बहुत ही अच्छा पोस्ट है। आप अगर आर्मी नेवी एयरफोर्स के लिए तैयारी करें तो ये पोस्ट भी काफ़ी अच्छा है, इसमें आपको कंसिडर करना चाहिए, मेरे हिसाब से करना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी, आपकी लाइफ है, आपको जो पसंद है आप कर सकते हैं। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में, कोई भी डाउट हो तो नीचे कॉमेंट कर देना। जय हिंद, हैप्पी यूनिफॉर्म।